सावली सलोनी तेरी झील जैसी आंखें हमको दीवाना कर गई। सुनो, आई लव यू। बॉलीवुड में एक फिल्म है जिसका नाम काबिल है। इसमें ऋतिक रोशन और उनके सामने जो हीरोइन है यानी कि जो अदाकारा है उनका नाम है यामी गौतम, दोनों दिव्यांग होते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रेम कहानी जो है वो शुरू होती है और शादी तक पहुंचती है। ऐसी एक कहानी पटना में भी है, जहां आपको बता दें कि पटना में जो सौरभ जीत हैं वो दिव्यांग हैं और ये मुंबई गए थे, वहाँ उनको पसंद आ गई करिश्मा जी। ये महाराष्ट्रियन हैं और एक बिहारी हैं, और महाराष्ट्रियन और बिहारी की ये जो जोड़ी है वो काबिल फिल्म से मिलती जुलती है, यानी कि दोनों दिव्यांगों की जो प्रेम कहानी है वो आपको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। आपके हाथ में गुलाब भी है और सामने करिश्मा जी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आज वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तमाम मौका भी है, दस्तूर भी है। आज रोज डे तो निकल गई है, बट मैं आज वैलेंटाइन डे चल रहा है तो मैं भाई दोबारा आपकी चैनल के सामने मैं इनको फिर से प्रपोज करूंगा इस गुलाब देकर, क्योंकि हमारी तो प्यार मतलब वो चल ही रही है बहुत पहले से, आज शादीशुदा भी हैं ठीक है, बट आज जब वैलेंटाइन डे है और मीडिया है हमारे सामने तो मैं ज़रूर प्रपोज करूँगा, और मैं सामने जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी स्टोरी भाई आप लोग को सुन लेंगे, बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी जो एक दूसरे के लिए मतलब जीते मरते हैं और कसमें खाते हैं तो प्लीज़ मतलब सच्चे दिल से खाएं और एक दूसरे को उतना ही कद्र करें, उतना ही रिस्पेक्ट करें कि जो हमारी मतलब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लव मैरिज अच्छी नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप लोग गलत साबित करें, क्योंकि लव मैरिज बहुत अच्छी मैरिज है और एक दूसरे को जीवन साथी अच्छी मिलनी चाहिए, और एक दूसरे को जैसे दिल में जगह बनाते हैं फर्स्ट टाइम में कि नहीं आपके लिए हम मर जाएंगे, वो लड़की कहती है हम आपके लिए मर जाएंगे, तो प्लीज़ ये सिर्फ फर्स्ट में नहीं, ये मतलब पूरे लाइफ टाइम इस प्यार को जारी रखें आप लोग। सुनो, आई लव यू। तो देख सकते हैं कि दोनों का प्रपोजल हो गया है, वैलेंटाइन का मौका है इस वजह से, और हम आपको बताते हैं इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, किस मोड़ पर गई और अभी कैसी चल रही है, कैसे शुरुआत हुई थी इस प्रेम कहानी की। दरअसल मैं ट्रेनिंग करने के लिए मैं बॉम्बे गया था, और बॉम्बे जब मैं गया था तो इत्तेफाक देखिए कि जब मैं फर्स्ट ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन कोर्स के लिए गया था तो उस टाइम भी इनकी बैच आई थी हमारी मिसेज की, मगर उस टाइम हम लोग मिले तो ज़रूर थे मगर एक दूसरे को जानते नहीं थे क्योंकि दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहते थे। और जब सेकेंड बैच हमारी गई फिजियोथेरेपी का कोर्स करने गए, दोबारा इनका बैच आई MSCIT की कोर्स करने के लिए, मतलब ये कहीं ना कहीं कहिए तो भगवान बार बार एक दूसरे को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट में हम लोग मतलब एक प्रेशर का जब कोर्स कर रहे थे तो एक ही हॉस्टल में दोनों को जगह मिला एक ही कंपाउंड में, और जहां हम लोग कोर्स चल रही थी वहां पे इनका भी क्लास चल रही थी और मेरा भी क्लास चल रही थी, तो इसी दौरान मतलब पर डे आना जाना एक ही बस में आना जाना, तो हम इस तरह से हम दोनों को बीच दोस्ती हुई, और फिर मतलब ये दोस्ती अफेयर में बदल गया, अफेयर में बदला तो कुछ दिन के बाद इनकी भी कोर्स ख़त्म हुई, हमारी भी कोर्स ख़त्म हुई, तो हम दोनों अलग अलग हो गए, मगर सोचे थे कि नहीं जब हम लोग प्यार किए तो इसको अब एक रिश्ते में बदल दें, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, जब इनको घर वालों को पता चला तो इनसे मोबाइल फ़ोन वगैरह सब छीन लिया जो मैं गिफ्ट किया था छीन लिया, और मतलब मुझे भी धमकी मिलने लगा कि नहीं तुम बिहारी हो हमारी बेटी को कैसे रखोगे नहीं रखोगे। मैं उनको ओपन चैलेंज किया कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर मैं उनको लेकर आऊँगा, मैं अपनी वाइफ बनाऊँगा, आपको जहाँ भी उनको छुपाना है छुपा लो, और मतलब पूरी 10 दिन भी नहीं होने दिया, और 8वें दिन इनके पास मैं गया और मतलब इनको किसी तरह से मतलब इतनी कहानी अगर मैं विस्तार से बताऊँगा तो मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, बाकी मतलब इतनी परेशानी झेलनी पड़ी वहाँ जाके, मैं किसी दूसरे को मोबाइल पे कांटेक्ट करवाया किसी लड़की को दोस्त बना के, फिर वो इसके तक मैसेज भेजी कि वो
सौरभ आ चुका है और फिर वो मतलब इनको खेत में से मम्मी के साथ ये खेत में गई हुई थी, वहाँ से बहाना करके किसी तरह से निकली और जो पहनी हुई थी बस वही पहनी हुई मेरे साथ आ गई। और उसके बाद मैं मुंबई आया, मुंबई से फिर बिहार आ गया और अभी तक मतलब अब तो शादी भी हो गई, हमारी एनजीओ के थ्रू शादी हुई है और उसके बाद अभी हमारे दो बच्चे हैं, मगर हाँ एक दूसरे का प्यार में कोई कमी नहीं आया। हाँ बेशक घर में है तो थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होनी ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत तकरार होता है तभी प्यार बढ़ता है, तो उतना चलता रहता है, मगर हाँ एक दूसरे को मतलब वो जान से भी ज़्यादा हम लोग मानते हैं, अगर मतलब थोड़ी सी अगर दूर होते हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगते हैं। जान से भी ज़्यादा मानते हैं आप करिश्मा जी? जी। कैसा नोकझोंक होता है घर में? होता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत होता है। कैसा, ये बिहारी हैं आप, महाराष्ट्रियन हैं जी, कैसे मिलन हुआ? मिलन तो हो गया, तो हम कोर्स करने गए थे कंप्यूटर का, तो यही गए थे एक्यूप्रेशर का कोर्स करने के लिए गए थे, तो उसी दौरान हुआ था। घर में कैसा माहौल था जब आप बताएं कि हम एक बिहारी लड़के से मोहब्बत करते हैं? मम्मी मारती थी, पीटती थी, मोबाइल छीनती थी, बोलती नहीं बात करना है, वो कास्ट दूसरा है, हम आपका दूसरा है कास्ट, नहीं हो सकता है। तो बिहारी और महाराष्ट्रियन की एक प्रेम कहानी जो है वो तमाम लोगों को जो आज के जनरेशन में प्यार मोहब्बत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए इन दोनों की कहानी जो है बहुत बड़ा सीख देती है। पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।